हेलो गाइस, मैं हूं एके। और जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं TH9 की, तो ये वही वीडियो है। तो इसमें आप क्या कहते हैं लाखरी तक दिखेगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं इसमें जो आपको सही लगे वो आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और उसको वॉर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मैं पहला दिखाने जा रहा हूँ अटैक, ये है HBHG जो कि टाइगर चैंग ने किया था। तो इसमें जायंट्स लेने होते हैं, हॉक्स लेने होते हैं, हीलर्स लेने होते हैं। काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है, इसलिए आपको इस बारे में पता होगा। इसमें जो मेन पॉइंट होता है कि भाई फनल जो बनाना पड़ता है ना, बस फनल इसका बन जाए और बाकी सब सेंटर में जाए ट्रूप्स, तो भाई ये अटैक पूरा तुम्हारा जो है सक्सेस जाता है। तो करना क्या होता है यार, जो ये किल स्क्वाड होते हैं ना, इससे तुमको CC जो है वो लेनी होती है और जो अपोनेंट है उसकी क्वीन भी मारनी पड़ती है। इतना तुमको इसके अपने क्विल स्क्वाड से करना होता है, बाकी का जो काम है वो तुम्हारे जो है ना हॉक्स कर लेंगे। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा अटैक, तो मैंने इसका अटैक लिया है। ये यहाँ पे इसके जायंट्स गए, इसके CC और क्वीन भी मर गई है ना, लगभग आधा बेस ही इसने अपने किल स्क्वाड से उड़ा दिया। अब इधर से जो है हॉक्स इसने डाले हैं, किंग साइड से इसलिए डालें कि तुरंत भाई किंग पे आएं और हॉक्स आगे भाग जाएं ताकि किंग को लास्ट में मौका ना मिले हॉक्स को मारने का। तो ये इस तरह से हॉक्स यहाँ पे गए, दूसरी हील स्पेल इसने डाल दी और ये बहुत ही प्यारा अटैक करते हुए यार इसने क्लियर कर दिया है बेस। बहुत ही बेहतरीन अटैक किया यार इसने। तो चलो अब नेक्स्ट अटैक तुमको दिखाते हैं। तो गाइस, जो मैं नेक्स्ट अटैक स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूँ ये है लावा लूम्स। और लावा लूम्स बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है बस, लेकिन भाई यार ये एक ही बंदा है हमारे क्लैन में जो TH9 पे लावा लूम्स करता है अटैक, तो इसका रिप्ले तो दिखाना बनता है। तो देखो इसने कैसे यहाँ से जो है क्लैन कासल इसकी बाहर निकाली। अब इधर साइड में जो है इसको बुला रहा है जो निकले हैं क्लैन कासल के ट्रूप्स। अब यहाँ पर पॉइजन स्पेल यूज़ करेगा, अपने दोनों हीरोज़ यूज़ करेगा। हीरो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यार 14-14 लेवल के हैं, और यहाँ पे बेस ये फोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छा यार लावा लून करता है, पहली बात तो यार ये इसकी तारीफ की बात है। और यहाँ पे लगभग इसकी क्वीन जो है ये लेने की कोशिश करेगा शायद, और इधर से लावा लून से इसने छोड़े, जैसे चारों लावा छोड़े दो एयर डिफेंस पे। उसके पीछे 14 लून्स हैं केवल, मतलब कि ज़्यादा लून्स नहीं हैं। लेकिन भाई अगर परफेक्ट कोई लावा लून करता है ना, तो वो 14 लून्स भी उसमें काफ़ी होते हैं बेस को फोड़ने के लिए। तो यार ये परफेक्ट लावा लून करता है यार नीरज, तो इसका अटैक तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ यार तुम लोगों को। इसलिए यार ये देखो कितने सफाई से यार इसने बेस पूरा, पता भी नहीं चल रहा यार ये बेस भी था इसमें कुछ। ये देखो इधर लावा पप्स जो हैं ये क्लियर कर रहे हैं, इसके लावा बचे हुए हैं और तीन तीन लावा बचे हुए, मतलब भाई जवाब नहीं यार अटैक का। बहुत बढ़िया अटैक किया यार इसने, और ये देखो पूरी तरह से क्लियर कर दिया यार बेस इसने। तो चलो अब मैं नेक्स्ट अटैक दिखाता हूँ तुम लोग को। अब नेक्स्ट अटैक मैं दिखाने जा रहा हूँ विच स्लैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस अटैक हो गया है क्योंकि विच जो है आजकल बहुत पावरफुल हो गई। तो वो अटैक अब दिखाता हूँ मैं। ऑसम किंग का अटैक इसने किया है और ये मुझे भाई बहुत बढ़िया अटैक लगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। तो देखो इसने यहाँ पे साइड में विच छोड़ी, यहाँ पे साइड में टेस्ला थी, इधर भी साइड में विच छोड़ी और दो दो हीलर्स दोनों को दिए हैं। बीच में गोलम और हीरोज़ और बोलर्स ये डालेगा और जंप स्पेल भी यूज़ करेगा बीच में। तो इस तरह से इसने जंप स्पेल यूज़ की, अब बाकी की चीज़ें ये डालेगा। और देखो अब यार ये इधर जो हीलर्स और विच है ना, ये एक साथ ही हैं अभी तक। तो जो विच में अगर कोई अटैक तुमको परफेक्ट करना है तो तुमको साइट्स में विच जो है वो ज़िंदा रखनी होंगी, नहीं तो तुम्हारा अटैक फेल होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए तुमको जैसे इसका इधर साइड जो है अब विच जा रही है तो बीच में भी क्लियर होता जा रहा है, और इधर साइड जो है हीलर और विच इधर भी बनी हुई है, इसलिए ये अटैक मुझे बहुत प्यारा लगा यार, बहुत ही बढ़िया अटैक लगा। यहाँ पर जंप स्पेल का यूज़ ऐसा किया कि भाई दोनों तरफ जो है ना उछल गए, तो सोचने की बात यह भाई इंटेलिजेंसी है अटैक में। और इस तरफ यार विच इसकी जाती जा रही हैं, इधर भी इसकी विच जो है क्लियर करती जा रही हैं, काफ़ी बढ़िया अटैक किया। बीच में क्वीन जो है वो भी ज़िंदा है, बॉलर भी अभी तक एक ज़िंदा है, तो इसको भी देखने वाली बात है। और अब देखो यार इसका बहुत बढ़िया अटैक यार किया ऑसम किंग ने,
जिस तरह से यार इसने क्लियर किया वाला बेस, तो विच अगर परफेक्टली करना है तो यार ऐसे ही करो। ये लास्ट अटैक स्ट्रेटजी दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोबो लालूस, जो कि बहुत फेमस अटैक स्ट्रेटजी है। इसको परफेक्टली कैसे करना है ये इस अटैक में देखो यार, बहुत बढ़िया सोहम ने अटैक किया है इस पर। तो ये देखो किस तरह से यहाँ पे फनल बनाया है, जो कि बहुत ही आसानी से बना। और ये गोलेम्स विजार्ड्स, अब यहाँ पे इसकी सीसी है, ये क्वीन है, तो बहुत अच्छी जगह चुनी है इसने गोलम्स के लिए। अब बाकी का किल स्क्वाड इसने भेजा और ये क्वीन किंग बोलर्स सब जा रहे हैं, गोलम जा रहा है। डबल जायंट बम आया तो हील स्पेल बहुत सही जगह पर इसने डाली, जंप रेज सब यूज़ कर ली, बहुत बढ़िया अटैक जा रहा है। और ये क्वीन अभी पीछे है तो, लेकिन हाँ इसने मारा, इसका किंग भी जो है वो मर गया, तो अब बस बचा है तो सिर्फ इसका बेस। तो देखो भाई ये गया सेकेंड एंडी, ये गया थर्ड एंडी, तो यार कितना प्यारा इसने किल स्क्वाड जो भेजा है यार, मतलब तीन तीन एयर डिफेंस इसने केवल किल स्क्वाड से ले लिया, तो बहुत ही बढ़िया समझदारी से अटैक किया यार इसने। और अब तो बस लूम्स का कमाल है यार, ये देखो तुम लोग स्लो मोशन में देखो आराम से, ये देखो लावा पप्स किस तरह से यार पूरे बेस में छा गए हैं अब इधर साइड जो है ना, और बाकी का जो बेस है वो लून्स क्लियर कर देंगे। इसके पास आर्चर और विजार्ड सभी भी बचे हुए हैं, क्वीन जिंदा है, तो इससे ज़्यादा परफेक्ट अटैक यार, बहुत बढ़िया अटैक किया गोबो लालूंस का सोहम ने। तो इस रिप्ले को दिखाना तो बनता था यार, बहुत ही बढ़िया अटैक किया। और मैं चार रिप्लेस तुम लोग को दिखा चुका हूँ, डुअल वॉक का जो मैंने अटैक है उसकी अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने उसका अटैक इसमें नहीं दिखाया। और ऐसे ही मैं जो है अटैक स्ट्रेटजीज और डालूंगा, तब तक के लिए भाई मेरी बाकी वीडियोस देखो। एंड अगर तुम लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।